Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 3.4 from chapter 3 squares and square roots of class 8 ML Agarwal. Description में आपको maths playlist link मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप all videos one by one देख सकते हैं. तो चलिए start करते हैं exercise 3.4. तो first question हमारा कह रहा है find the square root of each of the following by division method. अब यहां देखिए हमें division method से square root निकालने हैं. पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है. बट वो क्या होता है, छोटे नंबर के लिए इजी है. अगर आपके पास काफ़ी बड़े नंबर हैं तो हम उसे डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है. ऐसे आप किसी भी नंबर को डिवीजन मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ये ईजी होता है. तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना होगा, एक बार समझ लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है. तो डिवीजन मेथड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. तो डिवीजन मेथड का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना. मान लीजिए अगर आपसे मैंने पूछा कि इस ना 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 × 3 = 9, है ना. जैसे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि ये नंबर 4 का स्क्वायर रूट क्या पूछा जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 2. अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है ना, स्क्वायर रूट और 4, ये रूट हो गया, इसके अंदर हम 4 लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने हैं. तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, है ना. यानी कि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है हमारा. तो यही हमें डिवीजन मेथड में यूज करने हैं. तो इसके लिए डिवीजन मेथड के लिए एक स्पेशल टेबल होता है, पहले हम उसे देखते हैं. तो इसके लिए हम टेबल लेते हैं. जैसे मान लीजिए आप 1 का टेबल लोगे तो 1 का इंटू इसमें हम करेंगे तो इक्वल टू 1. अगर हम 2 का टेबल यूज करते हैं, है ना, डिवीजन मेथड के लिए आप 2 का टेबल यूज करते हो तो 2 में हमें 2 का ही इंटू करना है, ठीक है. आप 2 में 3 का इंटू, 2 × 4, 2 × 4 = 2, 8 = 8 नहीं कर सकते. 2 में 2 × 2 = 2 ही करना है. इसी तरह से 3 का टेबल यूज करेंगे तो 3 में हम 3 का ही इंटू करेंगे जो होगा 9. 4 × 4 = 16. इसी तरह से 5 × 5 = 25. 6 × 6 = 36. इसी तरह से 7 में 7 का इंटू करेंगे 49. अगर हम 8 का टेबल यूज करते हैं डिवीजन मेथड के लिए तो 8 में हम 8 का ही इंटू करेंगे, क्लियर, जो कि 64 होता है. एंड 9 × 9 = 81. तो याद रखना डिवीजन मेथड में हमें बस यही 9, ये जो टेबल है ना 1 to 9, इसी टेबल का यूज करना है, इतना ही नंबर्स और इसमें इसी नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि हमें 1 × 1 ही यूज करना है. अगर हम 5 का टेबल यूज कर रहे हैं तो 5 में 5 का ही मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 25 के लिए. तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड. अब दूसरा समझते हैं डिवीजन मेथड का. देखिए सिंबल हम ये होता है इसका सिंबल, ठीक है, ये सिंबल होता है. यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्लियर. जैसे आपके क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है 2401, है ना, तो ये सिंबल हमने ले लिया डिवीजन मेथड का और यहाँ पे हम लिखेंगे 2401, ठीक है. ये लिखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर लेंगे, 2 2 डिजिट्स का. तो राइट हैंड साइड ये है तो 2 डिजिट 1 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट का हम पेयर लेंगे. ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड पेयर, ठीक है. तो पहले हम एक सिंबल बनाएंगे डिवीजन मेथड का, उसके अंदर हम ये नंबर्स लिखेंगे. नंबर लिखने के बाद हम पेयर में कर लेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं. पेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा है 24, ठीक है. तो ये जो हमने टेबल बनाया, इस टेबल में हम देखेंगे कि 24 किस नंबर के बीच में आ रहा है. तो नंबर हमारा ये है इस तरफ का, तो इसमें 24 हमारा किसके सेंटर में आएगा, तो देखिए 24 आ रहा है यहाँ, 25 है और 16, यानी कि 16 और 25 के बीच में 24 है, ठीक है. तो 24 से 25 तो ये बड़ा है, तो हम बड़े नंबर को नहीं लेंगे, उससे छोटे को लेंगे. तो 25 नहीं लेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 16. और 16 कैसे होता है, 4 × 4, ठीक है. तो ये 4 हम यहाँ पे लिख देंगे एंड 4 ऊपर आ गया, तो 4 × 4 हो गया हमारा. तो 4 × 4 = क्या होगा, 16. यहाँ हम टेबल लिख लेंगे 16. देन इसे माइनस कर लीजिए. अब माइनस करेंगे, अच्छा माइनस करने से पहले 4 का, ये जो 4 है ना, इस 4 को फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. और इन दोनों को हम इधर प्लस करेंगे, तो 4 + 4 = 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे. अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 4 + 4 जब हम 8 ऐड करते हैं तो क्या नंबर के नीचे लिखते हैं, बट यहाँ डिवीजन मेथड में जब आप इस नंबर को ऐड करोगे तो उसके नीचे नहीं लिखना, इधर साइड में लिखना है ना,
लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, वन डिजिट लिखने का छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल का यूज करना है, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे, 24 माइनस 16 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 आ गया और ये 1 बचा, 1 माइनस 1 इज कैंसल। अब देखिए, अब यहाँ पे अब 8 आने, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बच रहा हमारा ये पेयर 0 एंड 1, तो यहाँ पे इस पेयर को हम नीचे लिखेंगे 0 1। इसमें आप ध्यान रखना, नॉर्मल डिवीजन हम क्या करते हैं, 1 1 डिजिट लेकर डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो पेयर हमने लिया है ना, पेयर बनाया है, तो इस पेयर को ही नीचे लिखना है, ओनली 0 आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम 0 1 दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर, अब हमारा हो गया 801 और ये है 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा लास्ट डिजिट है ना, लास्ट पेयर का लास्ट डिजिट है, ये जो हमारा 801 बना, इसमें लास्ट डिजिट देखिए 1। तो ये जो हमारा टेबल बना, इसमें आप ढूंढिए कि 1 कहाँ कहाँ आता है, किसके किसके पास 1 लास्ट में आ रहा था। देखिए एक 1 यहाँ है और नेक्स्ट हमारा 1 आ रहा है 81 में, है ना, यहाँ 1। तो यानी कि हमें किसका यूज करना है, 1 का एंड 9 का, ठीक है। पहले हम डिजिट देख लेंगे, 1 1 आ गया, 1 किस में है, 1 में एंड 9 में। तो ये 8 के बगल में हमें 1 या 9 रख के चेक करने हैं। तो अगर मान लीजिए हम 8 के बगल में 1 रखते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखते हैं करके, देखिए 81। तो जब 1 रखेंगे तो 1 के साथ तो 1 का ही मल्टीपल करना है हमें, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 यहाँ रखेंगे तो 801 है ये, है ना। तो 81 तो बहुत छोटा हो गया, तो हम 81 से नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद हम कौन सा नंबर यूज करेंगे, 9 को। तो यहाँ हम 9 ले लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसे रब करके क्लीन कर देती हूँ पहले। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे हम 9 ले लेंगे, अब 9 इंटू हमें 9 ही करने हैं, तो 9 इंटू 9, क्लियर। और ये 9 को हम फिर से यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ऊपर भी लिख लेंगे, नीचे भी यहाँ लिख लेंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 4 81 का 1 हम यहाँ लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है मल्टीप्लाई में, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड में लिखेंगे, तो 9 9 4 81 का 1 आ गया, कैरी 8 बच रहा हमारे पास। उसके बाद 9 8 4 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 4 72 72 प्लस 8 हमारा कैरी बचा हुआ है, तो 72 प्लस 8 इज 80, तो आ गया 80। तो देखिए 801 माइनस 801 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमारा 49 बच रहा है, और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस पोर्शन में हम प्लस करते, तो 9 9 18 8 कैरी 1 1 प्लस 8 इज 9, ठीक है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2400 का 1 का, यहाँ लिखेंगे 2401 इज इक्वल टू ये 49, ठीक है। तो 49 ये हमारा आंसर, यानी कि 49 × 49 जब आप करोगे तो हमारा नंबर आएगा 2401, क्लियर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4489 को, जो क्वेश्चन में हमारा सेकेंड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल ले लेंगे डिवीजन मेथड का, ये सिंबल हमने बना लिया। सिंबल बनाने के बाद ये नंबर यहाँ लिख लेंगे 4489। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड से हमें पेयर लेने हैं, तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है, दो दो डिजिट का पेयर, ये 1 2 डिजिट, इसी तरह से इसमें भी 2 डिजिट का पेयर हो गया। अब ये देखिए, अब पेयर लेने के बाद तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 44, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल हमने बनाया, इसमें हम देखेंगे कि 44 किसके पास में है, ठीक है। तो देखिए जो नंबर हमारा 44 कहाँ आएगा, ये 49 है, तो 49 तो बड़ा हो गया, यानी 36 को हमें लेना होगा, है ना, बड़े को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पहले बड़ा ढूंढ लेंगे, जब बड़ा मिल गया तो उसे छोड़ देंगे, उससे जस्ट पीछे वाला लेंगे, तो 49 ये है, तो 49 के पास में ये क्या है, 36, यानी कि 6 6 4 36। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 6 6 4 36, ठीक है। और इसी 6 को फिर से यहाँ लिख लेंगे प्लस का साइन, क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं ना, 6 6 4 36 लिख लिया हमने, इसे माइनस करेंगे, तो फर्स्ट माइनस करते हैं, तो देखिए 6 8 14, ये 3 बच गया, 3 माइनस 3 इज कैंसल। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा सेकेंड पेयर है इसे नीचे लिखेंगे, तो 89 पूरे पेयर को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब बन गया हमारा 889, और इधर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस, है ना, प्लस 6 6 12, तो 12 हमें यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे स्पेस छोड़ देने हैं। अब हो गया हमारा 889, ठीक है। और ये लास्ट पेयर हमने यहाँ पे लिखा, लास्ट पेयर में ही हमें इस टेबल में सर्च करने हैं। अगर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, अगर 4489 परफेक्ट स्क्वायर होगा,
तो निश्चित है कि ये 9 इस टेबल में जरूर आएंगे लास्ट में। तो इस टेबल में देखिए 9 हमारा कहाँ है, एक तो ये 9 हमारा है, 3 3 जार 9 है, और कहाँ है 9, और ये है 7 7 जार। ठीक है, तो 9 हमारा दो जगह है, यानी कि हमें 3 एंड 7 की टेबल यूज करनी है। तो सबसे पहले हम 3 की टेबल देख लेते हैं। अगर 3 की टेबल यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 123। ठीक है, और इसी 3 में हमें 3 को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 3 जार 9, उसके बाद 12 है, 12 3 जार है ना, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 36। तो 36 यानी कि 3 6 9 आ रहा है, तो 36 तो बहुत छोटा है, 808 है ना, 88 से 36 ही चेक कर लीजिए, तो काफ़ी छोटा आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, 7 को देखेंगे टेबल रख करके। तो यहाँ पे 3 की जगह हम 7 यूज कर लेते हैं, तो 7 जब लिखेंगे तो 7 × 7 कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, तो 7 × 7 क्या होगा, 49, 9 कैरी 4, 7 2 जार 14, 14 + 4 = 18, 8 अगेन कैरी 1 हमारा हो गया, 7 1 जार 7 + 1 = 8, 889। और इसे हम क्या करते हैं, प्लस करके नीचे लिखेंगे, तो देखिए 7 + 7 = 14, 4 carry 1 2 + 1 3 1। ठीक है, और इधर क्या करना है, ये हमें माइनस करना है, तो ये तो कैंसिल हो गए, 889 - 889, क्लियर। अच्छा, यहाँ 7 मैं लिखना भूल गई थी ना, 7 7 जार, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 67 हमारा आंसर हो गया, 67 इज द आंसर। तो इस तरह से अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ना, उसके लिए ये टेबल आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, 1 to 9, 9 × 9 कैसे करेंगे ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सब पार्ट थर्ड हमारा है, 106929 का स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले डिवीजन का सिंबल हमने ले लिया, यहाँ लिख लेंगे 106929, राइट हैंड साइड से पेयर मैंने बना लिया 2 2 नंबर्स का, क्लियर। अब ये फर्स्ट पेयर यहाँ हमारा 10 बन रहा है। ठीक है, तो टेबल में 10 हमारा कहाँ जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 का स्क्वायर तो 10 से बड़ा आ रहा है, तो हम किसका लेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 3। तो वही हमने लिख लिया, 3 × 3 = 9, एंड ये 3 यहाँ भी आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, 3 + 3 = 6, इसके नीचे स्पेस छोड़ के। अब यहाँ पे हम 10 - 9 कर लेंगे, तो 10 - 9 = 1, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद ये जो हमारा सेकेंड पेयर है, इसे पेयर में हम नीचे लिख लेंगे, तो 69, तो ये हो गया हमारा 169। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 के साथ यहाँ पे नंबर लेंगे। अब यहाँ पे टेबल में आप नहीं देखोगे लास्ट डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट में, जो हमने बताया ना कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में चेक करना है कि टेबल में है या नहीं, तो वो लास्ट वाले पेयर पे, ठीक है, अभी के पेयर पे नहीं, अभी यहाँ 9 को हमें नहीं देखना है टेबल में, अभी हमें देखना है कि 6 के साथ हम कौन सा टेबल यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 6 के साथ अगर हम 1 करते हैं तो 61, 1 में 1 का ही इंटू करना, यानी कि 61 1 जार 61, तो 169 से तो 61 बड़ा है। ठीक है, तो अब हम 6, ये 6 के साथ हम क्या 2 की टेबल लेकर देखते हैं, तो 2 × 2 करने हैं, तो क्या हो गया, 2 2 जार 4, 6 2 जार 12, तो 124, 169 अभी भी ये बहुत छोटा है, तो 3 करके देखते हैं, अगर 63 × 3, 3 में 3 × करने हैं ना, तो 3 3 जार 9, 6 3 जार 18, 189। तो देखिए 189 3 टाइम्स में तो बड़ा हो रहा है 189, तो हम किसका यूज करेंगे, 2 की टेबल का यूज करेंगे, 2 × 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2, क्लियर, ये 2, तो और यही 2 फिर ऊपर भी लिख लेंगे, साथ ही यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, है ना, तो 2 2 जार 4, ये 4, 2 6 जार 12, यहाँ 2 लिख लिए माइनस का साइन, और ये प्लस का साइन देंगे इधर, तो देखिए 2 + 2 = 4, एंड ये 6, यहाँ में जगह है ना, स्पेस तो यहाँ भी छोड़ना होंगे, सॉरी मैंने स्पेस नहीं दिया, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ इसके नीचे स्पेस छोड़ के हम थोड़ा इधर से लिखते हैं ना, तो 2 + 2 = 4, एंड ये 6, तो ये हो गया 64। अब इधर हम माइनस करेंगे, तो 9 - 4 = 5, 6 - 2 = 4, 1 - 1 कैंसल। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा थर्ड पेयर है 29, इसे नीचे लिखेंगे, तो थर्ड पेयर को 29, अब आ गया हमारा 4529। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नंबर में, ये लास्ट है 9, अगर परफेक्ट है तो क्या होना चाहिए, टेबल में हमारा 9 जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 हमारा कहाँ है, यहाँ पे, 3 × 3 = 9, एंड 7 × 7 =
इसमें 9 आ रहा है, यानी कि हम टेबल किसका यूज करेंगे, 3 एंड 7 चेक करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं, तो 64 है ये, तो अगर हम 64 है 3 का टेबल यूज करते हैं, तो 3 इंटू 3 करने हैं, तो 3 जार 9, 3 4 जार 12, 2 6 3 जार 18 एंड 1 19, तो 1929 बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 का यूज होगा हमारा। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 7 और 7 नीचे भी लिख लेंगे, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए। अब क्या करेंगे, मल्टीपल करके इधर लिखेंगे, तो 647 7 जार 4529 ये होता है, ठीक है। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये सारा हमारा कैंसिल हो गया और ये 7 हम ऊपर भी लिखेंगे, क्लियर। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया, 327, तो हम लिख लेंगे दियर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 106929 इज इक्वल टू 327 इज द आंसर, क्लियर। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 167281, तो क्या करेंगे, पहले ये सिंबल ले लेंगे, इसके अंदर लिख लेते हैं 167281, राइट हैंड साइड से पेयर लेंगे, तो एक फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड ये थर्ड पेयर। अब क्या करेंगे, 16 हमारा फर्स्ट पेयर यहाँ पे है ना, इधर से 16, तो 16 किस में है, 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, तो काफ़ी ईजी है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा कैंसल। अब ये 4 फिर से नीचे लिखकर दोनों को प्लस कीजिए, 4 प्लस 4 इज 8, इधर स्पेस छोड़ करके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर हम नीचे लिख लेंगे 72। अब 72 के लिए हमें तो देखने हैं, अब यहाँ पे हमारा 8 है, तो अब टेबल लेंगे, तो अगर टेबल हमारा 1 से स्टार्ट है ना, तो 8 के पास हम 1 रखते हैं, तो 81 तो 81 तो 72 से बड़ा है ना, तो ये बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, तो 1 की जगह अब हम क्या करेंगे, 0 का यूज करेंगे। जब यहाँ हम 0 लिख लेंगे तो ये 0 ऊपर भी आ जाएगा, जैसे डिवीजन है ना, 0 हम लिखते हैं छोटे नंबर रहता है, बड़े करने के लिए 0 लिखे आगे का नंबर नीचे लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ जब हम 0 लेंगे तो ये पेयर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 81, तो 7281। तो अब हमारा ये 80 है, यहाँ पे हम कौन सा टेबल यूज करेंगे कि इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ये हमारा 81 लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर में एंड में क्या है, 1, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर में 1 कहाँ कहाँ आता है, 1 की टेबल में एंड 99 81, 1 एंड 9 में टेबल में हमने पढ़ा, एक बार और आपको दिखाती हूँ जिससे माइंड में सेट हो जाए। देखिए 1 एंड यहाँ पे 181 है ना, तो यानी 1 और 9 का टेबल हमें यूज करना है। तो अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं 801, तो 801 जार, तो 801 काफ़ी छोटा है, हमें तो बड़े नंबर चाहिए, मैंने इसके पास का चाहिए नंबर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बट पास में होना चाहिए, तो 809 का यूज हम कर लेंगे, 809 और यही 9 नीचे, ऊपर भी 9, ठीक है। नाउ 99 जार 81, ये 0 है इसलिए 89 जार 72, माइनस करेंगे कैंसल, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 409। देयरफॉर यहाँ लास्ट में आप इधर सम करके लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 167281 इज इक्वल टू 409 इज द आंसर, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 53824, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 53824, पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, और ये देखिए 5 ये सिंगल है, अकेला है, तो सबसे पहले हम इस 5 को सॉल्व करेंगे, तो 5 के टेबल में हम क्या है, हमारा कहाँ हो रहा है, 1 1 जार 5, 1 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, तो 3 से तो बड़ा हो जा रहा है 9 है ना, 3 3 जार 9 तो बड़े हो गए, तो हम किसे लेंगे, 2 2 जार 4 है ना, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा एंड 4 यहाँ लिख कर माइनस करेंगे, 2 2 जार 4, और ये 2 को यहाँ लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा ये, 2 प्लस 2 इज 4, अब यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, ये जो पेयर हमारा उसके बाद 5 के बाद ये पेयर 38 है, इसे नीचे लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 138। अब यहाँ कौन सा टेबल लेंगे, अगर 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 4, 2 4 जार 8 काफ़ी छोटा है ना, 84 ही आ रहा है, तो हम 3 का लेकर देखते हैं, 4 3 जार 12 इसके पास का है, तो 3 और इस 3 को यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ भी 3 इंटू में आ जाएगा, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, अब इसे क्या करना है, हमें माइनस करने हैं, ठीक है, और इसे इधर प्लस करके लिखेंगे, ठीक है,
तो पहले माइनस कर लेते हैं, तो 138 माइनस 129, तो ये हमारा हो गया 9 18, 9 प्लस 9 18, ये हो गया 2 2, माइनस 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 3 इज 6, ये स्पेस छोड़कर करने हैं, एंड ये 4 46। अब लास्ट पेयर हमारा बच रहा है 24, तो इस 24 को यहाँ पे हम लिख लेंगे 924। अब देखिए ये लास्ट में, ये लास्ट है डिजिट, है ना, लास्ट पेयर हमारा लास्ट में ये क्या है 4। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो टेबल में आने चाहिए, तो टेबल चेक करेंगे, तो टेबल में देखिए 4 हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है। तो एक तो ये 2 में 4 आ रहा है, दूसरा हमारा 4 आ रहा है 64, है ना, 8 8 64 या 4 आ रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस में देखेंगे ये 4 एंड ये 4, यानी कि 2 एंड 8 का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले हम 2 का देखते हैं, तो 462 टू जार, तो 2 2 जार 4, 6 2 जार 12, 2 2 4 जार, तो ये 924 ही आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 2 को इंटू करेंगे, इसे एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये प्लस 2 प्लस 2 4 6 4 आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ हम माइनस कर लेंगे, तो 462 टू जार 924 कैंसल, ये 2 हम ऊपर में भी लिख लेंगे, ठीक है। तो दियर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 8 2 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट है ना, इज इक्वल टू 232, तो यही लिख लेंगे 232 इज द आंसर, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 213444, ठीक है। तो पहले सिंबल ले लेते हैं स्क्वायर रूट इसका, डिवीजन मेथड का, यहाँ पे नंबर लिख लीजिए 213444। अब क्या करेंगे, पेयर लेने हमें, तो ये हमारा फर्स्ट पेयर, सेकेंड, राइट हैंड साइड से पेयर लेना हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हमारा है 21, तो टेबल में 21 किसके पास में है, तो देखिए 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, तो 25 तो इससे बड़ा है 21 से, तो हम 4 का लेंगे, तो 4 × 4 करेंगे, ठीक है। ये 4 नीचे भी, एंड 4 4 जार 16, इसे माइनस करेंगे, तो 21 माइनस 16 इज 5, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब ये 4 प्लस 4 करने, इधर हमें प्लस करने होते तो 8, इधर स्पेस छोड़ के। नाउ 34, ये नेक्स्ट पेयर नीचे आ गया, 534, ठीक है। तो 534, अब 8 के साथ हम यहाँ पे 6 लेंगे, 86, 6 ऊपर और 6 × 6 करेंगे, तो ये हो गया हमारा 6 6 जार 36, 6 3 कैरी, 8 6 जार 48, 48 प्लस 3 इज 51, तो ये हो गया 51, इसे माइनस कर लेते हैं एंड इधर प्लस करेंगे। तो फर्स्ट हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 8 8 6 14 एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो ये 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे हम प्लस करेंगे, तो 6 प्लस 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 8 इज 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेयर जो लास्ट में हमारा बच रहा है 44, ये नीचे लिख लेंगे, तो देखना है हमें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 4 हमारा किस टेबल में आ रहा है, ये अभी हमने देखा था 2 एंड 8 में, है ना, 2 2 जार 4, 8 8 जार 64, 4 आ रहा है 2 एंड 8 में, तो हमें देखना है कि ये 2 में आएगा या 8 के साथ आएगा। 92 है, तो आपका 9 अगर 2 से लेते हैं तो 2 9 2 जार 18, ठीक है, यानी कि 2 से आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी नीचे करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 9 2 जार 18 माइनस करेंगे, तो सारा कैंसिल हो गया, एंड ये 2 हम यहाँ भी लिखेंगे, क्लियर। तो दियर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 213444 इज इक्वल टू 462 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच विदाउट एनी कैलकुलेशन। यहाँ बिना कोई कैलकुलेशन किए ही हमें बताने हैं कि इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं, ठीक है। तो 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, यानी कि 9 वन डिजिट है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीधा आंसर लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू, 81 में कितने हैं, 1 है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा 169, तो इसमें क्या कितने का है, तो ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 यानी कि 2 डिजिट्स हैं, क्लियर। चलिए इसको निकालने का हम तरीका समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा 169 का 13 होता है, ये याद नहीं होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो
तो देखिए यहाँ पे हम नंबर काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स है, तो 1 2 3 थ्री डिजिट्स है, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 169 इज इक्वल टू, है ना, कितने हैं, थ्री है, तो यहाँ थ्री लिख लेंगे। और अच्छा एक बात और, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 169 है ना, इसको यानी कि n इज इक्वल टू, इसे हम तो चलिए नीचे लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू थ्री, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स को हमने n मान लिया। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू, तो 169 में कितने होंगे, तो यहाँ निकालने का तरीका है, अगर ये नंबर ऑफ डिजिट्स आपका ऑड में है तो n बाई टू कर लेंगे, सॉरी n प्लस 1 बाई टू, तो यह नंबर ऑफ डिजिट थ्री, थ्री ऑड नंबर है, तो इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 1 बाई टू, n हमारा थ्री है, तो ये हो गया 3 प्लस 1 बाई टू इक्वल टू 4/2, अब ये रिड्यूस हो गया 2, यानी कि इक्वल टू 2 इज द आंसर। ठीक है, कहने का मतलब 169 का जो स्क्वायर रूट होगा कितने डिजिट्स के होंगे, 2 डिजिट्स। क्लियर। नेक्स्ट 4761 इसका देख लेते हैं, तो पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4761, इसे हम n मानते हैं, n इज इक्वल टू तो कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ लिख लेंगे 4, ये कौन सा नंबर है, इवन आ गया। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज इक्वल टू n बाई टू। ठीक है, इवन नंबर अगर आता है तो ओनली n बाई टू लिखेंगे, तो इक्वल टू, तो n हमारा 4 है, 4/2 इज इक्वल टू 2, तो इसका भी हमारा स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का आएगा, 2 डिजिट्स का आएगा। क्लियर। नेक्स्ट 2789 इसमें अब कितने डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट में, तो फर्स्ट काउंट कर लेते हैं, n कितना है, तो 3 2 5 n है, तो n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 27889 इज इक्वल टू, अब देखिए ऑड नंबर है तो ये क्या हो गया हमारा, n प्लस 1/2 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू 3, है ना, 2 3 जार 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, तो n इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स इन नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 5 6 2 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, काउंट कर दीजिए, 6 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो n बाई टू यानी कि 6/2, 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 3, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। क्लियर। ये आपका 5th नंबर है। नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो क्वेश्चन 3 में यहाँ भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल में है, तो जैसे क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन 3 भी करेंगे, बट यहाँ हल्का सा डिफरेंस है, तो चलिए समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट 51.84 हम क्या करेंगे, ये डिवीजन मेथड का सिंबल ले लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ लिख लेंगे हम 51.84। अब हमें पेयर करने हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट में है ना, ये जो हमारा होल नंबर है इसे हम पेयर तो राइट टू लेफ्ट ही करेंगे, तो यहाँ तो एक ही दो का पेयर है, तो एक पेयर हमारा हो गया। अब डेसिमल के बाद है ना, डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखिए पेयर कैसे करते हैं, तो यहाँ तो एक ही पेयर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे और भी नंबर होता तो ये आप ध्यान रखना, ये जो पॉइंट हमारा है पॉइंट के बाद में हम लेफ्ट टू राइट जाते, अगर यहाँ और भी कोई मान लीजिए एक नंबर अगर यहाँ पे 6 होता तो हम क्या करते, इसे एक पेयर में लेते, तो 6 के बाद एक 0 ले लेते, पेयर बन जाता हमारा 2 का। ठीक है, अगर एक नंबर है तो उसके बाद एक 0 लेके 2 का पेयर ले लेंगे, बट हमें चलना कैसे है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब हम पेयर बनाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। क्लियर। बट जो डेसिमल हमारा डेसिमल के पहले यानी कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की ओर जब हम पेयर बनाएंगे तो इस पेयर इधर नंबर में हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। क्लियर। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, अब ये हमारा पेयर 51 है, तो 51 में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जाएगा, है ना, तो 51 से बड़ा जो टेबल हमने 1 to 9 का क्वेश्चन 1 में पढ़ा था उसके हिसाब से 7 7 4 49, ठीक है, और 8 8 4 64, तो 64 तो 51 से बड़ा है तो 64 हम नहीं लेंगे, तो 7 लेंगे, यानी कि 7 7 4 49, 51 से छोटा हो गया 49, एंड ये 7 हम फिर से यहाँ लिख कर प्लस का साइन देंगे,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 51 माइनस 49 इज टू, अब ये देखिए 7 प्लस 7 इसे हम 14 यहाँ लिखेंगे ये स्पेस छोड़ के। अब ये जो पॉइंट है, इस पेयर को नीचे लिखने से पहले ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा एंड नाउ ये नीचे आ गया, तो 284। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट पेयर हमारा है, तो यहाँ देखेंगे हम 4 हमारे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो टेबल में हमारे तो ज़रूर आएंगे, तो 4 हमारा किस टेबल के लास्ट में आता है, 2, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 8 इंटू 8, 8 8 जार 64, तो दोनों में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, 2 से या 8 से चेक करने हैं। तो फर्स्ट हम 2 को ले लेते हैं, तो 142 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 2 से आ रहा है हमारा, तो लिख लेंगे 2, यहाँ भी 2, अब इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, अब ये दोनों माइनस हो गया, कैंसिल हो गया सारा, इसे प्लस करके आप यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ तो आगे कुछ है नहीं हमारा करना, तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं 41, ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 पॉइंट, अच्छा ये 2 यहाँ भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 7.2 इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट 42.25 इसका करेंगे, तो ये हो गया हमारा 42.25। पेयर लेंगे डेसिमल की इस तरफ, राइट टू लेफ्ट, एंड डेसिमल के बाद हम किधर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, आगे तो कुछ है नहीं। अब ये 42, तो 42 हमारा किससे जाएगा, 6 से, क्योंकि 7 7 49 बड़ा हो जाता है, तो 6 6 36, इसे अब हम माइनस करेंगे, ये 6 यहाँ आ गया, प्लस इधर 12, 6 प्लस 6 इज 12, अब 42 माइनस 36 हो गया हमारा 6। अब इस पेयर को हमें नीचे लेने हैं, नीचे लेने से पहले ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा एंड ये हो गया 625। अब देखिए एंड में, क्वेश्चन के एंड में जो लास्ट डिजिट है 5, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर में हमारा कहाँ आता है, सिर्फ 5 की टेबल में, है ना, 5 इंटू 5 इज 25, तो 5 ही है सिर्फ, तो 5 का टेबल हमें लेना है, तो ये 5 यहाँ और ये यहाँ, क्लियर, तो 5 5 जार 125, 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है हमारा 625 माइनस एंड ये 5 यहाँ, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5 इज द आंसर, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 18.4041, तो ये लिख लेते 18.4041, अच्छा यहाँ पे मैंने पढ़, क्लियर। अब पेयर ले लेते, एक पेयर हमारा हो गया, अब देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड में है ना, डेसिमल इधर है, उसके आगे हम किधर से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, यहाँ पे पेयर हम पहले इधर का बनाएंगे देन राइट साइड का, क्लियर। अब ये पेयर देखिए 18, तो 18 हमारा किसके साथ जाएगा, 4 4 जार 16, क्योंकि 5 5 जार 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 जार 16, ये 4 फिर यहाँ लिखेंगे, नाउ इसे माइनस करेंगे तो 18 माइनस 16 इज 2 एंड ये प्लस हो गया, 4 प्लस 4 इज 8, ये जगह छोड़ के नाउ पॉइंट पहले यहाँ दे देंगे हम, ठीक है, तो 4 पॉइंट, अब ये पेयर नीचे लिखेंगे 40, तो ये हो गया हमारा 240, 0, ठीक है। अब 0 हम देखेंगे कि किस, अच्छा ये तो अभी बीच का है ना, तो अभी तो हमें डायरेक्ट करना, लास्ट तो है नहीं, लास्ट वाले में हम टेबल देखते हैं, ठीक है, अभी यहाँ हम ऐसे ही करेंगे, तो 240 आ गया। अब 81 रखेंगे तो 81 तो काफ़ी छोटा है, 2 का टेबल लीजिए, 82, तो 8 2 जार 16 और 3 लेते हैं, तो 8 3 जार 24, फिर 8 3 ज़्यादा हो जाएगा 3 से, तो 2 का लेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 2 जार 4, 8 2 जार 16, ये माइनस करेंगे और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस करके इधर लिखेंगे, तो 2 प्लस 2 इज 4 एंड 8 का 8, ये स्पेस हमने छोड़ लिया। अब 240 माइनस 164 करना है, तो 10 माइनस 4 इज 6 एंड ये हमारा हो गया, ये 3 हो गया, तो 7 प्लस 6 इज 13, तो 7, 1 माइनस 1 इज क्रॉस, क्लियर। अब 76, अब इस पेयर को नीचे लिखना हमें 41, ठीक है, अब ये 84 है, अब 1 है लास्ट में, अब देखिए पहले है ना, इस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो टेबल चेक करेंगे, तो 1 किस में आता है, 1 एंड 9 में, अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, 841 तो बहुत छोटा है, तो निश्चित है कि 9 लेंगे और 9 में 9 से इंटू हमें करने पड़ेंगे, क्लियर। तो 849 इंटू 9 आपका यही नंबर आ जाता है, 7641 माइनस किया, क्लियर,
एंड ये नाइन हम, अच्छा ऊपर तो हमने लिखा ही नहीं, तो फोर पॉइंट ये टू लिख देंगे, यहाँ टू से हमने किया, यहाँ नाइन से किया, तो 4.29। दियर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 18.4041 इज इक्वल टू 4.29 इज द आंसर। क्लियर? वैसे भी अगर मान लीजिए, हाँ मैं जैसे भूल जा रही हूँ ना, यहाँ मैंने लिखा भूल गई, लास्ट में मैंने ऊपर में लिखा, अगर ऐसा हो तो चेक करने का तरीका क्या है, अभी हमने क्वेश्चन टू में सीखा, ठीक है। और सबसे इजी मेथड है पेयर काउंट के लिए, कितना पेयर आपका बन रहा है, 1, 2, 3 पेयर, जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट में आंसर आते, तो देखिए 3 डिजिट। क्लियर? नाउ इट्स सब पार्ट 4 इज 5.774409। तो फर्स्ट इसे इस सिंबल के अंदर हम लिख लेंगे। अब हम पेयर लेंगे, तो देखिए डेसिमल के इस साइड है ना, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, सिर्फ वन डिजिट है तो पेयर में तो है ही नहीं हमारा, ठीक है, ओनली अकेला ये हमारा 5 है, ये अकेला है। अब इसे डेसिमल के दूसरे साइड में देखेंगे, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में हम किधर से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, इस तरफ से इधर स्टार्ट जाएंगे। तो फर्स्ट ये पेयर, सेकेंड पेयर, दो दो डिजिट का पेयर लेना है, थर्ड, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट हमारा ये 5 है, तो 5 टेबल जो हमने पढ़ा उसमें किसके पास आता है, 2 2 4, 3 3 9 बड़ा हो जाता है, तो 2 से लेंगे, 2 2 4 माइनस करेंगे यहाँ पे हम माइनस, तो ये आ गया 1, और ये 2 अगेन लिख देंगे जो कि प्लस होगा, 2 प्लस 2 इज 4, ये स्पेस छोड़ देंगे हम। नाउ ये पार्ट को इस सेकेंड पेयर नीचे लिखने से पहले क्या करेंगे, डेसिमल ऊपर आ जाएगा, क्लियर। एंड यहाँ हो गया हमारा 177, ठीक है। तो 4 के साथ हम 4 अगर लेते हैं, 4 4 16, ठीक है, तो 4 × 4, तो 4 4 16, 6 वन कैरी, 4 4 16 एंड 117, तो ये आ गया हमारा 176। अब माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करने पे तो ये 1 आ गया, ये कैंसल कैंसल, और यहाँ प्लस करके इधर लिखेंगे, तो 4 प्लस 4 इज 8 एंड ये 4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा 44। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, अगर हम 1 लेते हैं तो 481, तो इससे तो बड़ा है, ठीक है, तो हमें तो ये बड़ा नहीं चाहिए, तो हमें छोटा चाहिए ना, इस नंबर से हमें ये छोटा लेना होता है, ठीक है, तो इसे हम इस नंबर को बड़ा बनाना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसे बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए हमें नेक्स्ट पेयर को नीचे लिखना होगा, तो दो पेयर को एक साथ नीचे लाने के लिए हम यहाँ 0 लेंगे, और यही 0 फिर ऊपर भी जाएगा। अच्छा, ये 4 टाइम में हमने किया था, ये 4 यहाँ लिख देंगे फर्स्ट, अब ये 0 यहाँ आ गया, ठीक है, जब 0 हम ले लेते हैं तो नेक्स्ट पेयर आ जाएगा यहाँ पे 09, क्लियर। अब देखिए यहाँ दो पेयर हमने एक साथ नीचे लिखा, तो इसीलिए एक 0 आ गया, ठीक है। अब एंड में देखिए 9 है, और 9 हमारा किस में आता है, 3 के टेबल, 3 3 9 एंड 7 7 49, तो 3 एंड 7 के साथ आता है, तो फर्स्ट हम 3 लेकर देखते हैं, तो 3 से आपका ये चला जाएगा, तो 3 × 3, जो 3 की टेबल लेंगे तो 3 से इंटू करना है, तो 3 3 9 0 24 2 4 3 12 12 + 2 = 14, क्लियर। अब माइनस कीजिए तो ये हमारा कैंसिल हो गया, एंड ये 3 हम फिर यहाँ लिख लेंगे। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5.774409 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.403 इज द आंसर। अब डिजिट्स एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए कितने पेयर हमारे बन रहे हैं, 1, 2, 3 पेयर, और एक ये सिंगल में, तो इसे भी काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3 ये पेयर, और एक ये 4, यानी कि 4 डिजिट का आंसर, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट, क्लियर।